हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो बाकी देशों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ के लोग बाकियों से अलग जिंदगी जीते हैं। इस देश के 60% घरों की कमाई टूरिज्म से चलती है। वाटर टूरिज्म के लिए ये देश पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इस देश की एक खासियत ये भी है कि आपको यहाँ कुछ ऐसे आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। साथ ही दोस्तों, इस देश की वाइन और बियर का भी कोई जवाब नहीं है। यहाँ जितने लोग वाइन पीते हैं उतने लोग आपको किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि आज भी इस देश में ड्रैगन्स पाए जाते हैं और ये इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश स्लोवेनिया के। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं स्लोवेनिया के एक शानदार सफर पे। 25 जून 1991 को स्लोवेनिया देश यूगोस्लाविया से आजाद हुआ था। स्लोवेनिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया। यह मध्य यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत से लगा हुआ है। इस देश की राजधानी है लुब्लियाना, और साथ ही लुब्लियाना स्लोवेनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। स्लोवेनिया देश की कुल जनसंख्या है 20,53,355। देश की सीमाएं पश्चिम में इटली, दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण और पूर्व में क्रोएशिया, उत्तर पूर्व में हंगरी और उत्तर में ऑस्ट्रिया से जुड़े हुए हैं। स्लोवेनिया की ऑफिशियल भाषा स्लोवेनियन है। 2002 में स्लोवेनिया जनगणना के अनुसार देश की लगभग 88% आबादी की मूल भाषा थी स्लोवेनियन। आबादी के 92% से अधिक लोग इसे अपने घरों में बोलना पसंद करते हैं, जबकि यूरोप में दूसरे किसी भी देश में इतनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोली जाती। स्लोवेनियन भाषा के अलावा आपको यहाँ के लोग इटालियन और जर्मन भाषाएं बोलते भी नजर आते हैं। इस देश के ज्यादातर लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं। यहाँ के 75% लोग इसी धर्म को मानते हैं। स्लोवेनिया आकार में बेहद छोटा सा है, लेकिन है बेहद शानदार। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी व क्रोएशिया से घिरा स्लोवेनिया एक समय में ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, पर अब वो एक आजाद देश है। अतीत में स्लोवेनिया के अलग अलग भौगोलिक हिस्से कई पड़ोसी देशों के प्रभुत्व में रहे हैं, इसलिए वहाँ कई तरह की संस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देता है। कहा जाता है कि यूरोप की सारी खासियतों को एक में मिला दिया जाए तो वो स्लोवेनिया का रूप बन जाता है। स्लोवेनिया अपने स्पा टूरिज्म और गर्म पानी के स्रोतों के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ के प्राकृतिक झरनों में पानी का तापमान और उसकी खूबियां भी अलग अलग हैं। स्लोवेनिया का लगभग 60% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है, जबकि यहाँ के सिर्फ 0.7% हिस्से में ही पानी है, जो इसकी खासियत है, क्योंकि यहाँ के लेक दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। स्लोवेनिया की मुद्रा का नाम यूरो है, और इस देश का एक यूरो भारत के 88 रुपए के बराबर है। इससे पहले स्लोवेनिया की करेंसी स्लोवेनियन टोलार हुआ करते थे। दोस्तों, टेलीग्राफ ट्रैवल अवार्ड्स के एक सर्वे के मुताबिक साल 2016 में हर साल यूरोप की यात्रा करने वाले लोगों में से 70,000 लोगों ने स्लोवेनिया को यूरोप का 10वां सबसे खूबसूरत देश बताया था। खास बात ये थी कि इन लोगों ने स्लोवेनिया को आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और स्विट्जरलैंड से भी ऊपर वोट दिया था। वैसे देखा जाए तो स्लोवेनिया एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि आप इस देश के बीच में खड़े होकर क्रोएशिया को बड़े आराम से देख सकते हैं। लेकिन इस छोटे से देश में ही आपको 500 से ज्यादा बड़े महल देखने को मिल जाएंगे। इन महलों की खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। स्लोवेनिया काफी डेवलप्ड माना जाता है। 2012 के बाद से स्लोवेनिया में टूरिज्म 65% तक बढ़ा है। यही वजह है कि ये देश पिछले कुछ सालों में एक डेवलप्ड देश बन के उभरा है। यहाँ की 98% आबादी एक शाही जिंदगी जीना पसंद करते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों के पास अच्छी खासी नौकरियां हैं। इस देश में आपको गरीबी न के बराबर देखने को मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवेनिया देश की पर कैपिटा इनकम $40,000 है। दोस्तों, बाकी यूरोपियन देशों की तरह स्लोवेनिया में भी सड़कों पर दाहिनी साइड पे गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों, स्लोवेनिया देश का सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी मजबूत है, क्योंकि ये देश नेटो का मेंबर है, इसलिए दूसरा कोई भी देश स्लोवेनिया पे हमला करने के बारे में सोचता भी नहीं है। यही कारण था कि भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्लोवेनिया देश की यात्रा की थी, और इस देश की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय राष्ट्रपति बने थे। 2012 के बाद से स्लोवेनिया में टूरिज्म 65% तक बढ़ा है। यही वजह है कि ये देश पिछले कुछ सालों में एक विकसित देश बन के उभरा है। दोस्तों, इस देश में कई खास चीजें हैं, जिनमें से एक है माउंट ट्रिग्लाव पर्वत। 2,863 मीटर की ऊंचाई वाला ट्रिग्लाव स्लोवेनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और जूलियन एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। इसे स्लोवेनिया का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। एनुअल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक शांति के मामले में स्लोवेनिया 163 देशों की सूची में 7वें स्थान पर है, यानी कि इस देश के लोगों को शांति काफी पसंद है। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के लोग खुद ही हैं। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के होने के साथ साथ खुले मिजाज के होते हैं, और मेहमान नवाजी के मामले में तो यहाँ के लोगों का कोई जवाब ही नहीं है। स्लोवेनिया में वाइन काफी पसंद की जाती है। इस देश में हर व्यक्ति के दिन की शुरुआत वाइन के साथ ही होती है। स्लोवेनिया के मैरिबर में आज भी सबसे पुरानी वाइन मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वाइन करीब 400 साल पुरानी है। साथ ही स्लोवेनिया के मध्य में स्थित ड्राई क्रास्ट वैली विश्व की सबसे बेहतरीन वाइन बनाती है। स्लोवेनिया में हर 70वां व्यक्ति वाइन पीता है।
शायद यही वजह है कि इस देश के लोगों के चेहरे पे एक अलग ही ग्लो रहता है जो बाकी यूरोपियन देशों में देखने को नहीं मिलता। 30 अप्रैल को हर साल स्लोवेनिया में वर्कर्स डे मनाया जाता है। स्वीडन की तरह स्लोवेनिया में भी इस मौके पर बॉनफायर किया जाता है। पूरे देश में बॉनफायर के साथ यहाँ के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपनी एकता के बारे में पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आज के समय में यह स्लोवेनिया के वर्कर्स का अधिकार भी बन चुका है। इसके साथ ही स्लोवेनिया में एक खास तरह का रिवाज है। यहाँ विंटर्स के आखिर में लोग एक खास तरह का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर अनोखे तरीके से जश्न मनाते हैं। यह परंपरा यहाँ 50 सालों से चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपको जानवरों से प्यार है तो आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि स्लोवेनिया में जानवरों को काफी प्यार किया जाता है। इस देश में 2400 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही लेपिजन घोड़ों की अनोखी प्रजाति भी केवल इसी देश में पाई जाती है। जानवरों के कई तरह की अलग अलग प्रजातियों के अलावा स्लोवेनिया के जंगलों में 500 से ज्यादा ब्राउन बियर्स भी रहते हैं। ये भालू काफी शांत होते हैं और लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। इन भालुओं की खास बात यह होती है कि इन्हें मांस और जानवरों को मारकर खाना पसंद नहीं होता, बल्कि स्लोवेनिया के इन प्यारे भालुओं को फल फूल खाना ज्यादा पसंद है। स्लोवेनिया की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का शहद। ये शहद पूरे यूरोप में काफी पसंद किया जाता है। 20 लाख की आबादी वाले इस देश में 90,000 लोग शहद बेचते हैं। अगर आप कभी स्लोवेनिया जाएं तो यहाँ के शहद को टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पूरे यूरोप में आपको ऐसा शहद कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, स्लोवेनिया को जंगलों का देश कहा जाता है। जब कभी प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रीनरी की बात होती है तो इस विषय पर स्लोवेनिया से बेहतर कोई बात नहीं कर सकता। इस देश में शहरों की बड़ी बिल्डिंग्स के अलावा जंगलों में बनी पुरानी गुफाएं भी काफी प्रसिद्ध हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवेनिया में आज भी 10,000 से ज्यादा गुफाएं हैं। यहाँ की सरकार ने इन गुफाओं को लोगों के लिए भी खोल रखा है, क्योंकि यहाँ की सरकार ऐसा मानती है कि ये गुफाएं स्लोवेनिया की धरोहर हैं। इन गुफाओं में पोस्टोयना केव को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। 20 किलोमीटर लंबी इस गुफा को काफी चमत्कारी माना जाता है। स्लोवेनिया के लोगों को गुफाओं से कितना प्यार है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस देश में हर साल वेलेनिका इंटरनेशनल लिटरेरी प्राइज सेरेमनी एक गुफा के अंदर आयोजित की जाती है। स्लोवेनिया की नदियां भी किसी से कम नहीं है। इस देश में 27,000 किलोमीटर की नदियां हैं। जिन लोगों को राफ्टिंग और कायाकिंग पसंद है वो यहाँ हर साल इस खेल का मजा लेने आते हैं। स्लोवेनिया की सोका रिवर दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला कपल इसी देश से था। इसके अलावा स्लोवन स्विमर मार्टिन स्ट्रेल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमेज़न नदी में पहली बार तैराकी की। स्काई जंपिंग की बात करें तो स्लोवेनिया इस मामले में भी एक रिकॉर्ड होल्डर है। यहाँ का स्काई जंपिंग पॉइंट दुनिया का सबसे बड़ा स्काई जंप पॉइंट माना जाता है, जहाँ से 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स ने स्काई जंपिंग की है। 2017 में स्लोवेनिया ने पर्यावरण और जलवायु, संस्कृति और जैव विविधता को कवर करते हुए 100 में से 96 पॉइंट्स हासिल किए थे। जब कभी भी प्रकृति और ग्रीनरी की बात होती है तो इस विषय पर स्लोवेनिया से बेहतर कोई बात नहीं कर सकता। दोस्तों, इस देश से जुड़ा एक मजेदार किस्सा यह है कि स्लोवेनिया के लोग जेल में रहने के लिए पैसे देते हैं। दरअसल, इस देश के एक मिलिट्री कैंप में जेल के कमरों में रहने के लिए बुकिंग की जाती है। इस जेल का नाम सिलिका होटल है। 100 से ज्यादा सालों तक जेल के तौर पर काम करने वाला सिलिका होटल आज टूरिस्ट और युवाओं के लिए एक अनोखी जगह बन चुका है। हर साल दुनिया भर के युवा यहाँ आकर इस जेल में रहना पसंद करते हैं। स्लोवेनिया में हर साल एक रेस आयोजित की जाती है जिसे द रेस ऑफ डेथ एंड वर्टिकल मैराथन कहा जाता है। इस रेस में 400 मीटर के खड़े पहाड़ पे चढ़ना होता है। वैसे स्लोवेनिया के लोग इस रेस को द रेड बुल 400 कहते हैं। ये रेस काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें हर साल सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, आपको बताएं, इस देश का नेशनल गेम हैंडबॉल है। स्लोवेनिया का खास मौसम भी इस देश को सबसे अलग बनाता है। इस देश में आपको एक ही दिन में तीनों मौसमों का मजा मिलेगा। जी हाँ, एक ही दिन में आप पतझड़ के जंगल में सुबह की सैर कर सकते हैं, दोपहर में एड्रियाटिक में नहा सकते हैं और शाम को स्कीइंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा स्लोवेनिया का नोवा गोरेका दुनिया का सबसे लंबा स्टोन आर्च रेल रोड ब्रिज है, जिसे सॉल्कन ब्रिज कहा जाता है। दोस्तों, इस देश में आपको ड्रैगन भी देखने को मिलेंगे। ड्रैगन स्लोवेनिया की राजधानी का प्रतीक है। लुब्लियाना सिटी में ड्रैगन की कई सारी मूर्तियां हैं। माना जाता है कि स्लोवेनिया के पोस्टिकन गुफा में ड्रैगन आज भी हैं। लुब्लियाना में एक ड्रैगन ब्रिज भी है जो इस सिटी की नदी के ऊपर बनाया गया है। इतना ही नहीं, स्लोवेनिया में जीव विज्ञानियों ने गहरी गुफा में रहने वाले एक ऐसे जीव का पता लगाया था जो 100 साल जीवित रहता है और 10 साल तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है। 1 फुट लंबे तथा रेंगने वाले इस जीव का वास्तविक नाम ओल्म है। स्लोवेनिया में एक खास तरह की परंपरा भी है। इस देश के लोग पहाड़ों से गायों को वापस लाने के बाद चरवाहों को सम्मानित करते हैं। इस फेस्टिवल को द काउबॉल कहा जाता है।
आज ये फेस्टिवल इस देश का एक बड़ा उत्सव बन चुका है। पिछले 60 सालों से दुनिया भर के लोग स्लोवेनिया के बोहेनी में इस उत्सव को देखने आ रहे हैं। स्लोवेनिया दुबई में 1 अक्टूबर 2021 से 10 अप्रैल 2022 के बीच दुनिया के सबसे बड़े मेले एक्सपो में भाग लेने वाले 190 देशों में से एक होगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्लोवेनिया एक छोटा देश होने के बावजूद आज किस स्तर पे खड़ा है। इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती ही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और स्लोवेनिया घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। स्लोवेनिया घूमने के लिए 6 से 8 दिनों में लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश स्लोवेनिया। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने कभी ये कंट्री विजिट की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। और